तेज रफ्तार का दिखा एक बार फिर कहर। चाय दुकान के सामने बेंच पर बैठे युवक को अनियंत्रित बोलेरो ने मारी टक्कर। युवक की घटना स्थल पर हुई मौत। दुकान के सामने खड़ी चारबाइक के परखच्चे उड़े। खबर सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र कूड़ेभार के संजय नगर बाजार की है, जहां इसी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गाँव निवासी राम भवन बाजार में एक चाय की दुकान के सामने बेंच पर बैठे थे कि अचानक तेज रफ्तार कूड़ेभार रोड पर दौड़ रही एक बोलेरो अनियंत्रित होकर दुकान के सामने खड़ी चार बाइकों को रौंदती हुई बेंच से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बेंच पर बैठा युवक उछलकर दूसरी दुकान के भीतर जा गिरा, जिसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी द्वारा दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर का वितरण किया गया। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रताप सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित एक कार्यक्रम में 6 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर का वितरण जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने किया। संस्था के सचिव विजय विद्रोही ने बताया कि जीवदया फाउंडेशन के सहयोग से चिन्हित 36 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण अभी और किया जाएगा। शातिर चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे। थाना क्षेत्र करौंदी कला में गुरुवार को लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे एक अपराधी को करौंदी कला पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस की पकड़ में आया अपराधी मंगेश यादव निवासी अगरौरा थाना बक्सा जनपद जौनपुर का है। पकड़े गए अपराधी के पास से एक अदद मोटरसाइकिल जिसका नंबर फर्जी है, गाड़ी चोरी की है तथा एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। पुलिस ने पकड़े गए अपराधी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की है।